ओके हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रेस्पिरेटरी प्लांट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्रेब्स साइकिल स्टडी किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। देखिए, जितना भी मेटाबॉलिज्म किसी सेल में होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, वन इज एनाबॉलिज्म एंड अनदर इज कैटाबॉलिज्म। ओके, देखिए, ईच सेल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स कंटेन्स सेवरल टाइप ऑफ बायोकेमिकल्स एंड दीज बायोकेमिकल्स आर अंडरगोज टू सेवरल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड ऑल केमिकल रिएक्शन इन द सेल यू नो रिगार्डेड एज मेटाबॉलिज्म। ओके, अब जब कोई रिएक्शन किसी सेल में होता है तो उसमें दो तरीके के प्रोसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इधर देखिए, इन दिस रिएक्शन देयर इज टू सबस्ट्रेट विच कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ 2A। ओके, आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन सिंथेसिस हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज रिगार्डेड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, बट अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो तो आप देख रहे हैं यहां पर 2A का ब्रेकडाउन हो रहा है और ये सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसे हम कहेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन। अभी तक हमने देखा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दो मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये एक ट्रेडिशनल थिंकिंग है, बहुत पहले से ही हम रेस्पिरेशन को पूरी तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन मानते आ रहे हैं। बट एक्चुअली कैटाबॉलिक रिएक्शंस इन सेलुलर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो हमने लास्ट टाइम पे स्टडी कर लिया था। अब यहाँ हम ये समझने वाले हैं कि ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन तो होते हैं, मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड देन पाइरूविक एसिड सबको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं, बट इसमें से बहुत से ऐसे स्टेप हैं जिसके इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स किसी दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स, एक्चुअली ऑल दीज टू स्टेप्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ओनली कैटाबॉलिक रिएक्शन बट इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सम सिंथेटिक प्रोसेस दैट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, एंड इफ अ प्रोसेस a single process exhibit both anabolic as well as catabolic reaction, then this reaction is regarded as amphibolic pathway or amphibolic reaction. Reality ye hai ki respiration jab bhi hota hai to basically that is catabolic reaction, but abhi jaisa ki maine aapko bataya the intermediates that involved in Krebs cycle or glycolysis also precursor molecule that involved in the formation of new type of molecules. Okay, so here humne catabolic step to samajh liya achhe tarike se. Ab hum ye samajhne ja rahe hain ki glycolysis ya Krebs cycle mein kaun kaun se step hain jo anabolic reaction provide karte hain. Agar hum ye samajhte hain kaun kaun se reaction anabolic hain aur kaun kaun se catabolic hain, to real hai ki hum ye samajh chuke hain कि एक्चुअली एम्फीबोलिक पाथवे। ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट एनाबॉलिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो
You know, in the cytoplasm, glucose undergoes to glycolysis, which forms several intermediates such as glyceraldehyde, glyceraldehyde phosphate, or 3-phosphoglyceraldehyde. Glyceraldehyde 3-phosphate get converted into some another molecules and ultimately form pyruvate. Here 6-carbon, and in this molecule 3-carbon. The pyruvic acid get converted into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A enter into Krebs cycle in the mitochondrial matrix. Here there are several intermediates. For example, oxaloacetic acid react with acetyl coenzyme A to form citric acid, and citric acid get converted into alpha ketoglutaric acid, or keto alpha ketoglutarate. It gets converted into succinyl coenzyme A, and then it converts into succinic acid, and succinic acid modified into oxaloacetic acid. आप अच्छी तरीके से समझते हैं, it is tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle. हालांकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट हम सिर्फ उस मॉलिक्यूल को यहां पर दिखा रहे हैं जो एनाबोलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा. सपोज कीजिए किसी सेल को एनर्जी की जरूरत है. अगर उस सेल को एनर्जी की जरूरत है तो वो फूड मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा थ्रू दिस प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस एंड देन क्रेब्स साइकिल, और ईटीएस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में परफॉर्म किया जाएगा. मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज अगर सेल में अवेलेबल नहीं है तो उस समय फूड मटेरियल के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट की जगह पे फैट इन्वॉल्व होता है. फैट, देखिए फैट केमिकली 2 कंपोनेंट का बना होता है. एक को हम कहते हैं फैटी एसिड और दूसरे को कहते हैं ग्लिसरॉल. अब देखिए ग्लिसरॉल इसका फास्फोराइलेशन होगा, मींस इसमें फास्फेट ऐड होगा, और उस फास्फेट को प्रोवाइड करने के लिए एटीपी होता है. एटीपी प्रोवाइड फास्फेट टू ग्लिसरॉल, एंड एटीपी इटसेल्फ कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एंड दिस इज एडिनोसिन डाइफास्फेट. इट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट, एंड ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फास्फेट एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस, एंड ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और क्रेब्स साइकिल परफॉर्म की जाएगी. अब देखिए फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, मोस्टली इसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन जब फैटी एसिड का होता है तो ये डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अलावा अगर फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो एक फैट के मॉलिक्यूल में ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल होते हैं. मतलब इसके ऑक्सीडेशन से ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का अमाउंट ज़्यादा है. अब देखिए अगर फैट की जगह पर प्रोटीन इन्वॉल्व हो
ये देखिए प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, सम अमाइनो एसिड्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अल्फा कीटो सॉरी ऑक्सेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बेसिक स्टेप जो भी है कैटाबॉलिक रिएक्शन है, हेयर प्रोटीन डिग्रेड हो रहा है तो ये भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और वहाँ फैट वहाँ पर भी ये डिग्रेड किया जा रहा है, मींस इट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेलुलर एक्सप्रेशन में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट या प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहा है। याद रखिए रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। अगर ग्लूकोज सफिशियंट अमाउंट में सेल में अवेलेबल है तो इस कंडीशन में प्रोटीन या फैट दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज सफिशियंट होगा तो पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम सफिशियंट अमाउंट में होते हैं। अब बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम ए अवेलेबल मोर देन द नीड ऑफ सेल और रिक्वायरमेंट ऑफ सेल, सो उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए है उसको दोबारा रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू फैटी एसिड के फॉर्मेशन में यूज कर लेते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए में दो कार्बन होते हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल दूसरे के साथ कंबाइन होता रहता है और अल्टीमेटली फैटी एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो हमने देखा इट इज एनाबॉलिक रिएक्शन, ओके, मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच एनाबॉलिक रिएक्शन इज अकर, दैट इज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ओके। अभी हमने देखा फर्स्ट एनाबॉलिक रिएक्शन इन द क्रेब्स साइकिल, देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल, लेकिन यहां पर ये फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब ये कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट होता है और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो इट इज एनाबॉलिक रिएक्शन। इसके अलावा अब देखिए हमने देखा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का फास्फोराइलेशन हो रहा है और ये डायरेक्टली ग्लिसरेल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अज्यूम दैट अगर ये ग्लूकोज सफिशियंट अमाउंट में है और सेल में ठीक इस समय फैट का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डायरेक्टली डीफॉस्फोराइलेशन होगा इसका। डीफॉस्फोराइलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, इससे फॉस्फेट रिमूव कराएंगे और इससे ग्लिसरॉल बना लेंगे। अल्टीमेटली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों एसोसिएट होंगे और फैट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो इट इज सेकेंड एनाबोलिक रिएक्शन इन क्रेब्स साइकिल। इधर देखिए ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन, इधर देखिए ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक ये है ग्लाइकोलाइसिस, ओके। मतलब मेरा ये है कि ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट को यूज करके बनाया जाता है। इसे हमें नोट करना है कि कौन सा इंटरमीडिएट किस स्टेप में किस मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में यूज किया जा रहा है। तो हमने देखा पहले एसिटाइल कोएंजाइम में जो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है उसका यूज किया, इधर ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट उसका यूज किया ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन में। ठीक उसी तरीके से अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दिस इज अल्फा कीटोग्लुटेरिक एसिड। देखिए अल्फा कीटो ग्लुटेरिक एसिड और इसे हम कह सकते हैं ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लुटेरेट रिएक्ट विथ अमोनिया। याद रखो जब अमोनिया को किसी कीटो एसिड में अटैच कराते हैं दिस रिएक्शन इज एमिनेशन। व्हाट इज एमिनेशन,
Exactly. Amination is the addition of ammonia. Actually, ammonia ke form mein nahi rehta. Ye reality ye hai ki amine ke form mein rehta hai. And then it attaches with keto acid to form a specific amino acid. So, abhi jo alpha ketoglutaric acid tha, wo convert ho jata hai glutamine mein. I think you heard about glutamine. Glutamine, you know, it is one of the most important amino acid that involved in the formation of protein. Okay, so abhi humne dekha, next alpha ketoglutarate, इसका अभी हमने देखा कौन सा रिएक्शन हो रहा था, दैट इज एमिनेशन. एमिनेशन और क्या प्रोड्यूस हो रहा है इससे, इसके एमिनेशन से बनाया जा रहा है ग्लूटामाइन. ग्लूटामाइन ओके, और फिर ये ग्लूटामाइन एंजाइम और दूसरे तरीके की प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड के कुछ अमाइनो एसिड हैं जो सीधे सीधे ऑक्सलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट ऑक्सलोएसिटिक एसिड, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड और ऑक्सलोएसिटेट, इसका भी एमिनेशन होता है, मीन्स इस पे अमाइनो ग्रुप अटैच होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे अमाइनो एसिड में. अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जिस अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है इसे हम कहते हैं एस्पार्टेट. एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड इज एसिडिक अमाइनो एसिड, इट इज एसिडिक इन नेचर, सो इस अमाइनो एसिड को हम एसिडिक बोले, एस्पार्टेट कह रहे हैं. एस्पार्टेट एंड ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड by the precursor molecule ketoglutarate, whereas aspartate formed by the utilization of oxaloacetic acid. So हमने देखा कि इसका इस तरीके से यूज किया जा रहा है और ये अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में यूज हो रहा है. बाद में और भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड बनता है by the transferring of the amino group, that is transamination reaction. ट्रांसमिनेशन रिएक्शन मीन्स यहां से अमाइनो ग्रुप को किसी दूसरे कीटो एसिड में ले जाएंगे और उसे भी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे. ओके, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ढेर सारे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड देर आर यू नो 20 अमाइनो एसिड्स दैट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन्स, राइट. ओके, सो हमने यहां पर कंसिडर किया कि कौन कौन से कैटाबोलिक रिएक्शन हो रहे हैं. हाँ, क्या लगता है आपको, ध्यान से देखिए, आप लोग देख रहे हैं फैटी एसिड सिंथेसिस, सेकेंड इज अमाइनो एसिड ग्लूटामाइन फॉर्म हो रहा है फ्रॉम कीटोग्लूटेरिक एसिड, एस्पार्टेट बन रहा है बाय ऑक्सलोएसिटिक एसिड, अभी हमने देखा था ग्लिसरेल्डिहाइड फास्फेट, या इसे हम कह सकते हैं 3-फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड. थ्री फॉस्फो ग्लिसरेल्डिहाइड शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PGAL, इट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म फैटी एसिड, सॉरी फैट, न्यू टाइप ऑफ फैट. ओके, आप देखिए यहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल है, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए.
सबसे पहले तो इसका कोएंजाइम ए रिमूव करते हैं एंड इट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम. नॉट ओनली सक्सनेल कोएंजाइम ए, सक्सनिक एसिड ऑल्सो मे बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम. साइटोक्रोम इसके अलावा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी बनाया जाता है और आप जानते हैं साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस. पर साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी यूज हो रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन. रेस्पिरेटरी चेन मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो इतने सारे स्टेप हैं दैट रिप्रेजेंट एनाबॉलिक रिएक्शन. बताइए एनाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन किस कंडीशन में परफॉर्म किया जाता होगा? जब कार्बोहाइड्रेट कम होता होगा तब, या फिर कार्बोहाइड्रेट सफिशियंट होता होगा तब. आप सोच सकते हैं अगर कार्बोहाइड्रेट सफिशियंट है तो हमारा सेल पूरी तरीके से अडाप्टेड है कि वो कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा, मीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज करेगा. अब अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तब इस कंडीशन में प्रोटीन, या फिर प्रोटीन नहीं है तो फैट का यूज किया जाता है. ओके सो सीधी सी बात है एनाबॉलिक रिएक्शन ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन आइदर बिलोंग्स टू क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस अकर्स ड्यूरिंग फास्टिंग कंडीशन. सपोज कीजिए किसी ने फास्ट किया हुआ है, फास्ट रखा हुआ है, दो तीन दिन से खाना नहीं खाया उसने, तो ठीक उस समय में कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म होने लगती है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए फैट और या प्रोटीन का यूज करते हैं तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा. लेकिन अगर हम ओवर डाइट ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट सफिशियंट अमाउंट में है तो एनाबॉलिक प्रोसेस जो भी रिएक्शन है वो परफॉर्म किए जाएंगे और प्रोटीन और फैट का फॉर्मेशन होगा. ओके ठीक है. तो अभी हमने देखा कि क्रेब्स साइकिल किस तरीके से एनाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करता है. सो ड्यू टू द एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक रिएक्शन दैट फाउंड इन बोथ ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज क्रेब्स साइकिल. बट मोस्ट ऑफ द एनाबॉलिक रिएक्शन जैसा कि आपने देखा क्रेब्स साइकिल से बिलोंग करता है. सो अगर एक ही स्टेप, कोई एक साइकिल, कोई एक पाथवे दोनों में इन्वॉल्व हो, एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक, तो इसके लिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएटली टर्म यूज करेंगे एम्फीबॉलिक पाथवे. ओके सो अभी हमने स्टडी किया कि किस तरीके से एम्फीबॉलिक पाथवे हम क्रेब्स साइकिल या ग्लाइकोलाइसिस के लिए यूज कर रहे हैं. ओके चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे. जैसा कि आप स्टडी कर चुके हैं कि आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस पाइरुवेट जिसमें तीन कार्बन है इसका मॉलिक्यूल हमें मिलता है. अब पाइरुविक एसिड का दो तरीके का फ्यूचर है. अगर सेल को ऑक्सीजन मिलती है ओके इट विल बी एरोबिक रेस्पिरेशन. That followed by formation of acetyl coenzyme A, it enter into mitochondria. Mitochondria के matrix में आपने detail में पढ़ा TCA cycle perform की जाती है. TCA cycle और एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्मेशन में या फिर ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन को एक कोएंजाइम NAD+ रिड्यूस्ड फॉर्म में आता है NADH और वो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन. इसके बाद यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का. क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है.
डिटेल स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हमने स्टडी कर लिया है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या होगा। देखिए, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रीद और कैन रेस्पायर, मीन्स कैन परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ही अगर सेलुलर रेस्पिरेशन करना है तो क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं, सो ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बट इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल देन पायरुबिक एसिड अंडरगोज टू सम डिफरेंट प्रोसेस राइट एंड डू नॉट एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस सॉरी फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरुबिक एसिड विल बी टेक्स प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म। हमने देखा एसिटाइल को एंजाइम में बना था एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पर जो भी प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें इस तरीके का इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता होगा। देखिए, ज्यादातर ये बैक्टीरिया में मिलता है। देखिए, जब फर्स्ट टाइम अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं थी, तो उस समय जितने भी ऑर्गेनिज्म थे दे आर एक्चुअली प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट बैक्टीरिया जिसे हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। उन्हें बिकॉज ऑक्सीजन मिलती नहीं थी तो वो ऑक्सीडेशन के लिए फूड मटेरियल का विदाउट ऑक्सीजन के ही ब्रेक डाउन कर लेते थे। तो बैक्टीरिया, आज भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी फूड प्रोड्यूस करते हैं। एक खास बात ये कि बहुत सारे हायर प्लांट्स, कभी कभी प्लांट्स या कोई एनिमल्स या उसका कोई पर्टिकुलर सेल या टिश्यू किसी वजह से ऑक्सीजन अवेलेबल उसको नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में प्लांट्स या फिर हायर एनिमल्स या प्लांट्स, मोस्टली ये केस तो बैक्टीरिया में मिलता है, बट कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, या हम कह सकते हैं इन सर्टेन कंडीशन they can also perform anaerobic respiration, means they can break pyruvic acid without utilization of oxygen. So what is happened in anaerobic respiration, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, pyruvic acid mitochondria में नहीं जाना है, चाहे mitochondria available हो या हो, इसे mitochondria में नहीं ले जाएंगे। cytoplasm साइटोप्लाज्म में इस पायरुबिक एसिड को या तो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे या फिर अगर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है तो इसे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जब विदाउट ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो एथाइल अल्कोहल, यू नो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि पायरुबिक एसिड के जो तीन कार्बन हैं वो तीनों कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पायरुबिक एसिड के तीनों कार्बन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग नहीं किया गया, मींस इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया है, मींस अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल से कम रिलीज कराए जाएंगे, मीन्स ETS परफॉर्म नहीं होगी, सो एनर्जी एफिशिएंसी इस रेस्पिरेशन में घट जाएगी, मतलब इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा।
देखिए बेसिक जो दो इंपॉर्टेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं वो है एथाइल अल्कोहल और है लैक्टिक एसिड। देखिए अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हम इन विट्रो परफॉर्म कराएं, यू नो इन विट्रो मीन्स आउटसाइड ऑफ द लिविंग सिस्टम इन विट्रो, तब हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन को, अभी हम इसे कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये इसे हम इन विट्रो परफॉर्म कराएं तो हम इससे कहेंगे फर्मेंटेशन। इसे हम कहेंगे फर्मेंटेशन। ओके अकॉर्डिंग टू द एंड प्रोडक्ट एथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं। अगर एथाइल अल्कोहल बनेगा हम कहेंगे एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो हम इसे कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होना है, दैट इज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये देखिए ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये है फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड और 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। It converted into phosphoglyceric acid. देखिए इस स्टेप में ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज को एंजाइम NAD इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहा है, कहेंगे ये रिड्यूस फॉर्म है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, इसमें 3 कार्बन होते हैं। जैसा कि आपने देखा इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इधर देखिए पाइरूविक एसिड इसमें 3 कार्बन है, सबसे पहले यह कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम नॉट एसिटेल्डिहाइड इसे बोलेंगे एसिटेल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा कि पाइरूवेट एसिड साइटोप्लाज्म में एसिटाइल को एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया जाए ग्लाइकोलाइसिस में तो पाइरूवेट एसिड इसमें 3 कार्बन है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। जब इसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, इसका एक मॉलिक्यूल, इसे हम ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर इस स्टेप में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, एक्चुअली इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की जा रही है। ये देखिए सो इसे हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। दिस स्टेप सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा सो हेयर जो एंजाइम यूज हो रहा है उसे हम कह रहे हैं डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर किसका
रिमूवल हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या ये डिहाइड्रोजिनेज है? सो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज नहीं, यहाँ पर हम यूज करेंगे डीकार्बोक्सिलेज। ओके, यू नो डीकार्बोक्सिलेज आर एंजाइम्स दैट यूज्ड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। आपने अच्छी तरीके से देखा, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इज ऑल्सो डीकार्बोक्सिलेज, और उसका पूरा नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज रूबिस्को फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। हाउएवर यहां देखिए, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है, यहां पर मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत होती है, और एक एंजाइम और है जिसे हम कहते हैं थायमीन पाइरोफॉस्फेट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी मींस थायमीन पाइरोफॉस्फेट मैग्नीशियम आयन दैट इज को फैक्टर ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक टू कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज एसीटेल्डिहाइड। अब देखिए एक स्टेप और, एसीटेल्डिहाइड एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली ये एनएडीएच एसीटेल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है और दोबारा एनएडी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, अगर हमने इसका दो मॉलिक्यूल कंसिडर किया है तो इसका मतलब ये हुआ एसीटेल्डिहाइड के भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे एंड रिजल्टेंट एथाइल अल्कोहल का भी दो मॉलिक्यूल बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी दो मॉलिक्यूल। तो नेट प्रोडक्ट इन एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन हम क्लियरली देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल एथाइल अल्कोहल और रिमेनिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो अब यहां पे हमें कंसीडर करना है बिकॉज फर्मेंटेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों का टारगेट है एनर्जी प्रोडक्शन, और एनर्जी प्रोडक्शन वहां होगा जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो हमें देखना है कि कहां कहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहां पर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन पाइरुविक एसिड का यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और यहां पर ये प्रोसेस दैट इज रिडक्शन, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। यू नो यहां पर एनएडीएच है और जिस रिएक्शन में एनएडीएच होता है वहां पर हम एंजाइम यूज करते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज्ड टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय इन्वॉल्विंग को एंजाइम एनएडी और एफएडी। ओके, सो यहां पाइरुविक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन कहीं नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि पाइरुविक एसिड के बनने के बाद आगे फर्दर एनर्जी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब नेट एनर्जी दैट प्रोड्यूस इन फर्मेंटेशन प्रोसेस इज जस्ट इक्वल टू द एनर्जी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस, मींस ग्लाइकोलाइसिस में जितनी एनर्जी है वही एनर्जी एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में होगी, क्योंकि पाइरुविक एसिड के फर्दर ऑक्सीडेशन में किसी भी एनएडीएच का नेट प्रोडक्शन या फर्दर एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं यहां पर एनएडीएच का कितना मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है। देख रहे हैं आप यहां पर एक्चुअली दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो जितना यहां पर एनएडीएच रिड्यूस्ड फॉर्म में बन रहा है वहां नेक्स्ट स्टेप में ये यूज भी हो रहा है, तो देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ NADH, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए यहां कोई NADH नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं ATP मॉलिक्यूल। देखिए ATP दो तरीके से बनेगा, या तो रिएक्शन में डायरेक्टली किसी सबस्ट्रेट से ATP का फॉर्मेशन होगा, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, अनदर इज दैट अकर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम
उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, मींस एटीपी का फॉर्मेशन दो तरीके से हो रहा है, या तो डायरेक्ट सब्सट्रेट से होगा या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाता है डायरेक्ट रिएक्शन में। नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2, दैट फॉर्म्स सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसके आगे पाइरूविक एसिड का कोई ऑक्सीडेशन नहीं है, सो आगे कोई भी एनएडीएच या एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हमें कंसीडर करना है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। डीकार्बोक्सिलेशन इज द प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। देखिए पाइरूवेट एसिटाइलडिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर एंजाइम यूज हो रहा है डीकार्बोक्सिलेज। कोएंजाइम के फॉर्म में थायमिन पाइरोफॉस्फेट एंड कोफैक्टर के फॉर्म में मैग्नीशियम आयन। कार्बन डाइऑक्साइड का जैसा कि आप देख रहे हैं दो मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है। अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल रिलीज होने चाहिए, बिकॉज ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन यहां पर 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन है, ऑक्सीडेशन। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज है एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में, ये 3 है। तो ये था एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। देखिए देयर आर सेवरल ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो एनिमल और प्लांट में भी होता है, लेकिन वहां एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं, वहां पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। अब बैक्टीरिया के अलावा एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए फंजाई यूज किए जाते हैं, बट सभी फंजाई एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज नहीं होते। सम इंपॉर्टेंट्स आर ईस्ट, अनदर इज राइजोपस। द मोस्ट फेमस एथाइल अल्कोहल फर्मेंटिंग एजेंट इज ईस्ट। देखिए ईस्ट, अब हम पूरे रिएक्शन को इस तरीके से लिखेंगे, ग्लूकोज विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्टेड इंटू एथाइल अल्कोहल, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट में एंजाइम है, ईस्ट के एंजाइम को हम कहते हैं जाइमेज। एथाइल अल्कोहल जैसा कि आप देख रहे हैं इसका 2 मॉलिक्यूल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये रिएक्शन है। देखिए एथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी जो ईस्ट में है, सो ईस्ट की इस फर्मेंटिंग कैपेसिटी को हम एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल एट द इंडस्ट्रियल लेवल। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर कंस्ट्रक्टेड और प्रोड्यूस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, इसमें हम ईस्ट का यूज करते हैं। देखिए
जब एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी साथ में होता है. एथाइल अल्कोहल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड गेट इवेपोरेटेड. हाउएवर एथाइल अल्कोहल ऑल्सो कैन बी इवेपोरेट. देखिए इन द केस ऑफ एल्कोहल प्रोडक्शन एट द लेवल ऑफ इंडस्ट्री द ईस्ट इज यूटिलाइज एज अ कैटेलाइटिक organisms that contain zymes enzyme. In this case ethyl alcohol ka production jab solution mein zyada hota hai so ethyl alcohol that is product of this fermenting reaction it act as inhibitor of zymes enzyme. aap soch rahe honge inhibitor kya hote hain. inhibitor any molecules that inhibit the activity of an enzyme. So agar ethyl alcohol ka concentration zyada ho gaya yaad rakhna more than 13% ye humne liya ek solution isme humne yeast liya aur sugar liya aur humne fermentation ke liye yeast use kiya to एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन जैसे ही इसमें होता है एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल रीच टू 13% तब तक एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता रहता है. लेकिन जैसे ही 30% से ज़्यादा एथाइल अल्कोहल इस सॉल्यूशन में बनता है द एथाइल अल्कोहल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ जाइमेज एंजाइम. सो फर्दर फॉर्मेशन एथाइल अल्कोहल का नहीं हो सकता मतलब फर्मेंटेशन विल बी स्टॉप. सो एनर्जी का प्रोडक्शन जो हो रहा था दैट ऑल्सो विल बी स्टॉप. सो ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑक्सीडेशन नहीं है तो एनर्जी कम हो जाती है और उस एनर्जी के कम होने की वजह से ईस्ट की डेथ हो जाती है इस सॉल्यूशन में. मीन्स मोर देन 30% ऑफ एथाइल अल्कोहल विल बी टॉक्सिक फॉर द लाइफ ऑफ एथाइल फॉर द लाइफ ऑफ ईस्ट. सो एथाइल अल्कोहल को यहाँ से रिमूव कराना जरूरी है और इसके कॉन्सेंट्रेशन को 30% से कम रखना है. so the process through which the concentration of ethyl alcohol get lowered it is distillation. distillation process se ethyl alcohol ko remove karate hain aur wahan par is solution ko hum dilute kar dete hain aur continuously sugar add karte rehte hain ethyl alcohol ko yahan se nikalte rehte hain by the process of distillation और ये प्रोसेस लंबे समय तक क्या कराते रहते हैं और फिर एथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा बेकिंग इंडस्ट्री में जब ब्रेड बनाया जाता है तो ब्रेड बनाते समय हम एथाइल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल की कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करते. वहां पर जरूरी होता है पोरस बनाना. तो ब्रेड को पोरस बनाने के लिए एयर चाहिए. गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन डो. सपोज कीजिए ये डो है डफ. अब इसमें इस डो में हमने ईस्ट डाला है अब इसमें एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. इसे हम हीट करते हैं एथाइल अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब इवेपोरेट होता है तो इसमें पोर बन जाते हैं तो एंटायर डो बिकेम पोरस और फिर इससे डिफरेंट टाइप के बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं राइट. सो इस तरीके से एथाइल अल्कोहल का इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज भी किया जाता है. राइट. चलिए अब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करेंगे. देखिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस तो सिमिलर है. इन दिस केस ये रहा पाइरूविक एसिड. पाइरूविक एसिड डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग NaTH प्लस प्रोटॉन.
हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन इस कोएंजाइम एनएडी से पाइरूविक एसिड में एंटर करते हैं और पाइरूविक एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड कंटेन फोर कार्बन, सॉरी थ्री कार्बन एंड यू नो पाइरूविक एसिड ऑल्सो कंटेन थ्री कार्बन। एनएडीएच खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ गया। यहां देखिए पाइरूविक एसिड एक ही स्टेप में लैक्टिक एसिड में बन रहा है, मींस पाइरूविक एसिड डायरेक्टली गेट रिड्यूस टू फॉर्म लैक्टिक एसिड और लैक्टेट। एंजाइम आप गेस करके बता सकते हैं, आपको आइडिया है यहां एंजाइम का, आप जानते हैं इट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कोएंजाइम एनएडी। सो यहां पर हम एंजाइम यूज करेंगे डिहाइड्रोजिनेज और आप अच्छी तरीके जानते हैं डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर मैग्नीशियम की, बट समटाइम डिहाइड्रोजिनेज ऑल्सो यूज मैग्नीज आयन। ओके डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अब यहां पर पाइरूविक एसिड को डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे और लैक्टिक एसिड बन जाएगा। चलिए अब यहां नोटिस कीजिए, चलो बताओ ये कहां से आया, फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बन रहा था तो एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ था और फिर एनएडीएच एनएडी प्लस दोबारा ग्लाइकोलाइसिस में जाता है और फिर ऑक्सीडाइज कराता है ग्लूकोज को और फिर यूज हो जाता है। मतलब जितना एनएडीएच यूज हो रहा है वो फर्दर पाइरूविक एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है, मतलब देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ एनएडीएच। ओके आइए देखते हैं एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। हियर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन and then aerobic respiration। okay चलिए हम तीनों को एक साथ consider कर लेते हैं, दोनों में compare similarities as well as differences। सबसे पहले oxidation, ethyl alcohol में आपने जैसा कि देखा incomplete oxidation, incomplete oxidation means all carbon of glucose cannot be liberated out। lactic acid में आपने देखा यहां पर it is also incomplete oxidation just like ethyl alcohol। incomplete oxidation okay। यहां देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में सारे कार्बन जितने भी कार्बन होते हैं ग्लूकोज में सब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, तो क्लियरली यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है। ओके सेकेंड हमें कंसीडर करना है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिलीज ड्यूरिंग एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो हम कंसीडर करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो आपने अभी देखा था टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट रिलीज ड्यूरिंग एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में नो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
In the case of aerobic respiration, there is 6 carbon dioxide molecule. Are produced by the oxidation of one molecule of glucose. चलिए नेट एटीपी, एटीपी तो हम बाद में करेंगे, पहले हम ईटीएस देख लेते हैं, बिकॉज एटीपी का फॉर्मेशन ईटीएस में होता है. यू नो जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो ऑक्सीडेशन से बनने वाला एनएडीएच दैट कैरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आर नॉट अंडरगोज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम आर नॉट फाउंड अंडर द एनएरोबिक कंडीशन. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम विल बी नॉट अकर. ईटीएस नॉट ऑल्ड. ओके, the condition is similar in the case of lactic acid fermentation. ETS not found, but here NADH are enter into electron transport system. Okay, ab because electron transport system hai, तो वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज फास्फोराइलेशन. अब फास्फोराइलेशन इन ईटीएस, यू नो इट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. सो अगर ईटीएस नहीं है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या सोच रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? अगर ईटीएस इन्वॉल्व नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम वेयर the ATP formation takes place. So without the absence of electron transfer system, the oxidative phosphorylation cannot be occur. So oxidative phosphorylation means by the oxidative process formation of ATP cannot be occur. There is no oxidative phosphorylation. Okay, यहां पर नो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. इन दिस केस अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ईटीएस में जाएगा और ऐसी सिचुएशन में एटीपी का फॉर्मेशन होगा और यहां पर हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हो रहा है तो बताइए एनर्जी एफिशिएंसी कहां ज्यादा दिखाई दे रही है? एग्जैक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन. और यहां पर एटीपी, यहां पर एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम है. सोचिए अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी एटीपी ना बने तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा क्या? एक्चुअली द मेन पर्पस टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो इफ ऑक्सीजन अवेलेबल इट इज बेस्ट ऑप्शन, बट अगर ऑक्सीजन नहीं है सो ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू ऑक्सीडाइज देयर फूड मटेरियल इनकम्प्लीटली टू फॉर्म लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इट इज क्लियर दैट इन द केस ऑफ एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन the formation of carbon the formation of ATP will be occur, but in less amount, only 2 ATP. In the case only 2 ATP, but in the case of aerobic respiration there are 36 ATP are produced by the complete oxidation of cellular respiration. Okay, चलिए सोचते हैं, सोचिए यहां पर 2 एटीपी है, वहां पर 2 एटीपी है, और अब जैसा कि पहले ही आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं देयर इज नो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. व्हाई नॉट दिस इज अकर? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां नहीं है. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो यहां 2 एटीपी और यहां 2 एटीपी, ये कहां से बन रहे हैं? सीधी सी बात है, ग्लाइकोलाइसिस सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन. ओके, सो हमने देखा
कि जब भी फर्मेंटेशन होगा ऑल एटीपी विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द लेवल ऑफ ओनली ऑन द लेवल ऑफ डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन मीन सबस्टेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन. सो यहां पर एनर्जी एफिशिएंसी काफी कम होती है. अब आप ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन किस में नहीं हो रहा है, देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड अकर हियर. सो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है. ओके चलिए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए. यू नो एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन इज अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ईस्ट एंड ऑल्सो सम अनदर फंजाई फॉर एग्जाम्पल राइजोपस. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर आर सम बैक्टीरिया. कैन यू नेम ऑफ सम बैक्टीरिया दैट आर एबल टू फर्मेंट लैक्टिक एसिड. यू नो लैक्टिक एसिड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कर्ड, दही में होता है ना लैक्टिक एसिड. सो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. यू नो लैक्टोबैसिलस. ओके सो लैक्टोबैसिलस आर यूज्ड आर्टिफिशियली टू फॉर्म लैक्टिक एसिड. नॉट ओनली बैक्टीरिया, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में ही सिर्फ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. एक्चुअली हमारे बॉडी के मसल सेल्स अगर ऑक्सीजन इन्हें ना मिले और वर्क ज़्यादा हो तो ऐसी सिचुएशन में फॉर सम टाइम इन आवर बॉडी नॉट ओनली इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स सम अनदर एनिमल्स एंड ऑल्सो प्लांट्स कैन परफॉर्म लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ऑल्सो मे बी अकर इन मसल्स मसल सेल्स. ओके अगर मसल सेल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सो इट लीड्स टू फैटीक मीन्स एक पेन होगा, इसे हम फैटीक बोलेंगे. अब इस लैक्टिक एसिड को धीरे धीरे डिग्रेड करते रहते हैं व्हेन एवर ऑक्सीजन अवेलेबल एंड धीरे धीरे ये फैटीक खत्म हो जाता है. सो लैक्टिक एसिड ऑल्सो मे बी फॉर्म इन हायर प्लांट्स इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया. ओके एरोबिक रेस्पिरेशन aerobic respiration is the highly efficient process, energy producing process or oxidative process. इस aerobic process को अगर हम देखें all cells, all eukaryotic cell perform aerobic respiration. मैंने कहा eukaryotic cell. Eukaryotic cells. कंडीशन होना है, हमें कंडीशन चाहिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो. कोई भी यूकैरियोटिक सेल अगर ऑक्सीजन है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन जरूर परफॉर्म कर सकता है बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसेस माइटोकॉन्ड्रिया. और आप जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें क्रेब साइकिल और एटीएस होता है दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया बट एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया. ओके यू नो बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल आर डिवाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया तो बैक्टीरिया में है नहीं, तो सोचिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्लेस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. सो वेयर डज सेलुलर रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन आर टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में तो है नहीं. तो ऐसी सिचुएशन में बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होते हैं और उसे हम कहते हैं मीसोसोम. ओके मीसोसोम मीसोसोम्स आर एक्चुअली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन आ बैक्टीरिया इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर टेक प्लेस. सो एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में भी हो सकता है बट नॉट माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ होगा? मीसोसोम में. ओके सो हमने ये भी कंपेयर किया कि डिफरेंट टाइप का फर्मेंटेशन किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन से अलग है या इसमें सिमिलैरिटीज क्या क्या है.
ओके, तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे सीखे, सो अब हम प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं आपने कितना समझा। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट क्रेब साइकिल एंड ईटीएस या जो भी फर्मेंटेशन में अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड इन glycolysis in anaerobic condition. ओके, कंसीडर कीजिए। यहां देखिए एटीपी का मॉलिक्यूल बनाना है आपको। कंडीशन आपने दिया, आपने देख, आप लोग देख रहे हैं यहां पर एनारोबिक है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होगा नहीं। मींस नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस will be belongs from substrate level of phosphorylation, not from ETS, because ETS होगा नहीं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि glycolysis में substrate level पर जो net ATP gain है that is 2, so correct answer is 2, right? एक दूसरा question देखते हैं। Which is the step of cellular respiration? Respiration, oxygen used. ओके, यहां आप देख रहे हैं, आपको ये सिलेक्ट करके बताना है ऑक्सीजन कहां यूज हो रही है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ऑक्सीजन यूज होता है विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दो स्टेप होते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा है क्रेब्स साइकिल। यहां पर देख रहे हैं आप ग्लाइकोलाइसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फर्मेंटेशन है एंड लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, बट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का यूज
लिंक रिएक्शन में नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इज एक्चुअली एक्सटर्नल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट यूटिलाइज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन. और सारे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन आर अल्टीमेटली लीड्स टू ETS वेयर ऑक्सीजन कम फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड गेट रिड्यूस टू फॉर्म वाटर. सो ऑक्सीजन यूज करता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यही से हम कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन, राइट. ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं. वन मोर क्वेश्चन एंड देन इस क्वेश्चन के बाद हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी कोशेंट. सो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं. How many carbon dioxide molecules are produced in yeast by the complete oxidation by the complete oxidation of glucose. How many carbon dioxide molecules are produced in yeast by the complete oxidation of glucose? Option 4, 6, 8 and D 2. क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंसीडर करने के लिए हमें यह देखना होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस पाथवे के थ्रू हो रहा है, या टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन कैसा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर विदाउट ऑक्सीजन. यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन को मेंशन नहीं किया गया है कि ऑक्सीजन है या नहीं है, बट आप ये जानते हैं कि जब ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा. सो हियर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन is the indication of the presence of oxygen, and if the oxygen will be available in the yeast cell, then glucose are oxidized by the process of glycolysis, Krebs cycle and electron transport system, means entirely in mitochondria or aerobic respiration hoga. And aerobic respiration agar hua to carbon dioxide ka complete oxidation hoga and the number of carbon dioxide molecule will be 6. There is no 4 molecule of carbon dioxide can be produced in any type of fermentation. 8, there is no chance it can never produced because one molecule of glucose contain only 6 carbon, but 8 it is not possible, it is more than 6. Here 2 could be right option if the condition will be incomplete oxidation, means agar ye anaerobic oxidation hota to. Okay,
ओके, तो अभी हमने देखा कि एम्फीबोलिक पाथवे किस तरीके से है, इसके बाद फर्मेंटेशन कैसे हो रहा है। अब हम जानना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन में किस सबस्टेट का प्रोडक्शन, किस सबस्टेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए, फैट, सेकेंड थिंग इज प्रोटीन या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड। प्रोटीन है, फैट है या ऑर्गेनिक एसिड है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप ये अच्छी तरीके जानते हैं, सेल में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन आसानी से किया जा सकता है, बिकॉज उसमें ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और पूरा सेल उसी के लिए अडाप्टेड है। इन तीनों सबस्टेट का ऑक्सीडेशन तभी यूज किया जाएगा या परफॉर्म किया जाएगा जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। चलिए हम देख रहे हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखिए। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है तो उसे सबसे पहले मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, फैट, फैट का जब डिग्रेडेशन होगा तो ये डिजनरेट होके फैटी एसिड बनाता है, फैटी एसिड, फैटी एसिड। फैटी एसिड के केस में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से सीएसटीन कर लेते हैं, S32 एंड O2, या फिर प्रोटीन का यूज करेंगे। प्रोटीन के केस में देखेंगे आप, इसमें अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक एसिड में देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड में मे बी लैक्टिक एसिड और मे बी ऑक्सेलिक एसिड ऑल्सो मे बी यूटिलाइज। इसमें आप देखेंगे, सपोज दैट ये ऑक्सेलिक एसिड है। इन द फर्स्ट केस जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, और 6 मॉलिक्यूल वाटर का प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस एनर्जी इन दिस रिएक्शन। देखिए, इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल लग रहे हैं और प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हो रहा है, मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द सेम। आपको ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलर क्यों है। एक्चुअली इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दिस रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन, इस मॉलिक्यूल में देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का अमाउंट इक्वल है, 6 एटम ऑफ कार्बन यहाँ पे है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का भी 6 एटम। सो इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, जितना ऑक्सीजन यूज होगा उतना ही कार्बन। इन दिस केस यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, सॉरी, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कम है। यहाँ पे देखिए कार्बन 16 है पर ऑक्सीजन ओनली 2 है। ओके, इन दिस केस अगर हम प्रोटीन में देखेंगे तो यहाँ पर भी कार्बन फॉर एग्जाम्पल 5 है और यहाँ पर एक अमाइनो एसिड जिसमें ऑक्सीजन 3 है। अमाइनो एसिड में भी ऑक्सीजन कम होता है देन कार्बन। यहाँ पर देखिए कार्बन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है एंड ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। देखिए, जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑलरेडी होता है उसमें उसको उस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत कम होती है। अब हम एक रेशियो डिटरमाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड
जितना भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड यूज या इवॉल्व हो रही है उसे हम बोलेंगे. टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज किया जा रहा है इसको, एंड देन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट यूटिलाइज्ड और एब्जॉर्ब. यहाँ देखिए एक रेशियो दिखाया जा रहा है. इट इज रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट यूटिलाइज्ड. एक्चुअली दिस रेशियो इज रिगार्डेड एज रेस्पिरेटरी कोशियंट. इसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी कोशियंट. देखिए रेस्पिरेटरी कोशियंट यहां पे देख रहे हैं आप. इट इज द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट रिलीज्ड एंड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट यूटिलाइज्ड. देखिए अगर आर क्यू हम कैलकुलेट करते हैं, अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दैट इज इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ आर इक्वल, 6/6=1. सो केवल कार्बोहाइड्रेट ही मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन इक्वल अमाउंट में है. सो इन दिस केस आर क्यू की वैल्यू होगी 1. सो आर क्यू को हम मेजर करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन में कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा है. ओके सो चलिए सबसे पहले अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट के केस में इसकी वैल्यू 1 आ रही थी. फैटी एसिड में देखिए, जब हम फैटी एसिड के केस में देखेंगे सो यहां पे कार्बन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है. सो इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए अगर इसे हम ऑक्सीडाइज करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के 16 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे. वेयर एज इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है नॉट विल बी 16 जस्ट इक्वल मोर देन 16 बिकॉज यहां पे ऑलरेडी ऑक्सीजन बहुत कम है. आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं. सो इज मोर देन, ये देखिए मोर देन 16 20 अप्रॉक्स करके. तो अभी यहां पर देखिए अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो रेशियो विल बी फैट, इसका रेशियो हो जाएगा लेस देन 1. ओके अप्रॉक्सीमेटली विल बी 0.7. ठीक उसी तरीके से हम प्रोटीन में भी देख रहे हैं ऑक्सीजन कम है. सो प्रोटीन के केस में भी आर क्यू विल बी लेस देन 1. ऑर्गेनिक एसिड में चीजें ऐसी नहीं है बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सीजन ज्यादा रहता है और कार्बन कम. सो इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए बिकॉज ऑलरेडी ऑक्सीजन ज्यादा है तो इट रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. सो इसमें जितना कार्बन रिलीज होता है उससे कम अमाउंट में ऑक्सीजन यूज की जाती है. सो इन दिस केस सपोज कीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो ऑक्सीजन जो यूज की जाएगी वो होगी केवल 1 मॉलिक्यूल, या अगर इसे हम 4 मान लें तो उससे कम होगी. ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनिक एसिड के केस में आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी मोर देन 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 1 point something, राइट. सो आर क्यू डिटरमाइन करने का क्या यूज है? सबसे पहले इट इज यूज टू डिटरमाइन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. आर क्यू मेजर करके हम ये डिसाइड करते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक एसिड. ओके अब जरा यहां देखिए एनारोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में देखेंगे तो
यहाँ पे एथाइल अल्कोहल का दो मॉलिक्यूल बनता है एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज की जा रही है इसके लिए आर क्यू हो जाएगी टोटल इवॉल्व, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इवॉल्व इज टू वेयर ऑक्सीजन इज जीरो. सो द आर क्यू इन दिस केस 2/0 इट विल बी इनफाइनाइट. ओके सो इनफाइनाइट आर क्यू रिप्रेजेंट एनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इट ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ओके सो रेस्पिरेटरी कोशेंट हमें दो चीजों के बारे में बताता है. वन इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट एंड सेकेंड इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. किसी एक प्लांट में द आर क्यू आर नॉट सेम. अगर किसी प्लांट में हम देखेंगे कि आर क्यू वन आ रही है तो ये हमेशा नहीं होती है. किसी भी एक सेल में हर समय आर क्यू इक्वल नहीं हो सकती बिकॉज सेल की रिक्वायरमेंट या सेल का मेटाबॉलिज्म जब ऑपरेट किया जाता है तो रेस्पिरेशन के लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक या इन ऑर्गेनिक एसिड प्रोटीन फैट या कार्बोहाइड्रेट में से किसी दूसरे किसी भी प्रकार के सब्सट्रेट का यूज किया जाता है. सो इट इज क्लियर दैट आर क्यू ऑफ एनी सेल इन द ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल. ओके सो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट आर क्यू एंड एम्फीबोलिक पाथवे. आपको सेलेक्ट करना है उस रिएक्शन को द रिएक्शन ऑफ क्रिप्स साइकिल. रिएक्शन ऑफ क्रिप्स साइकिल दैट रिप्रेजेंट एनाबॉलिक प्रोसेस. फर्स्ट रिएक्शन इज सक्शन एल्को एंजाइम ए गेट कन्वर्टेड इन टू कैरोटेनॉइड्स. Another citrate converted into aconitate and C alpha ketoglutarate converted into succinic acid. And last option is malate converted into oxaloacetic acid. देखिए anabolic process is that in which synthetic or synthesis of some molecules will be occur. सक्सिनिक एसिड कंटेन फोर कार्बन वेयर एज कैरोटीनाइड्स आर एक्चुअली ग्रुप ऑफ कैरोटीन एंड जैंथोफिल दे आर लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन. सो यहां पर जो है आप देखते हैं कि ये कैरोटीन और जैंथोफिल है और यहां पर नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन फोर मीन्स 16 17.
So it is complex molecule and here it is simple molecule. देखिए citrate and aconitate. In this step citrate contains 6 carbon and aconitate is the intermediate of Krebs cycle, it also possesses 6 carbon. So there is no change in carbon number or there is no removal of any other type of molecule. So there is no oxidation will be occur. So oxidation nahi hai. So iska matlab ye anabolic nahi hai, it is catabolic. Here it will be anabolic. In this step jaisa ki ye tradition hai, ketoglutaric acid converted into succinyl coenzyme A, that further converted into succinic acid means succinate. So it is catabolic reaction of Krebs cycle. It is last step of Krebs cycle in which malate converted into oxaloacetate. Okay, so it is also catabolic reaction. So correct option is A, because it is precursor molecule to form carotenoids, jaisa ki abhi humne study kiya tha in the amphibolic pathway. Okay, so yahan pe koi confusion hai? Okay, nahi. Ab dekhte hain ek aur question. केयरफुली देखिए, इसमें हमने शुगर सॉल्यूशन ऐड किया है. इस शुगर सॉल्यूशन में हमने ईस्ट यूज कर दिया, ईस्ट यूज किया. ओके, अब हमने इसके ऊपर से ऑयल ऑयल ओके, अब ऑयल की एक थिन फिल्म बना दी हमने यहां पे, बिकॉज ऑयल इज इनसोल्युबल इन वाटर. तो यहां पे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया जिसमें शुगर और वाटर था. अब इसमें हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, राइट. अब यहां पर ऑयल की एक थिन फिल्म बन गई. अब इस डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए एंड सेलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन. सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डायग्राम. Ethyl alcohol will be produced second oxygen utilized to perform aerobic respiration. And then an aerobic respiration to produce lactate
And last option is solution will be highly solution do not contain ethyl alcohol after some time. ओके देखिए डायग्राम को अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इट इज सुगर सॉल्यूशन सो इसमें सुगर होगा एंड यू नो सुगर इज द रेस्पिरेटरी सबस्टेट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ईस्ट यहां पर क्या रखे हुए हैं ये सब ईस्ट हैं और ईस्ट रेस्पिरेशन के लिए सुगर यूज करता है इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल की एक थिन फिल्म बनी हुई है Actually, the thin film of oil prevent the entry of oxygen from atmosphere. So, yeast ko respiration ke liye oxygen available nahi ho sakta. So, it perform anaerobic condition, anaerobic respiration. Aur jab anaerobic respiration hoga, so, aap jante hain uska pura process. So, consider kijiye statement pe. First statement, ethyl alcohol will be produced, you know, yeast produce ethyl alcohol under anaerobic condition so first statement is correct okay but without consideration on each option you should not select any option okay so let's consider about second statement is oxygen utilized to perform aerobic respiration As you look here, there is no oxygen available to utilize aerobic respiration because there is a thin film of oil that is barrier for oxygen entry. So, the second statement will be absolutely wrong. Okay. The third statement, the anaerobic respiration to produce lactate actually in the absence of oxygen. Yeast cannot perform lactic acid fermentation because there is no enzyme for the lactic acid fermentation found in yeast. इसके लिए हमें चाहिए lactobacillus to produce lactic acid. और आप अच्छी तरीके से जानते हैं yeast produce produce enzyme that involved in ethyl alcohol fermentation. So the statement C is also will be absolutely wrong. And the D solution do not contain ethyl alcohol after some time. ऐसा कैसे हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाइए मैं ये कह रहा था कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया और इसमें एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है इट इज क्लियर दैट एथाइल अल्कोहल डेफिनेटली विल बी फाउंड इन दिस सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम बिकॉज यहाँ पे एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन हो रहा है सो ड्यू टू द डू नॉट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो विल बी इनकरेक्ट ओके आइए एक क्वेश्चन और ही ऐसे डिस्कस कर लेते हैं There is some setup of reaction. This is glucose. This is some intermediate molecule that is represented by A, which get converted into to form a second intermediate that is B. B get converted into pyruvate when A transformed into B one molecule of coenzyme NAD plus get reduced
to form NAD H plus proton. The pyruvic acid utilize NADH, reduced NADH, to form something that is C pyruvic acid, produce two molecule of carbon dioxide, and another thing is D. Okay. In the flow chart of the following, that represent a set of reaction. You have, you should identify what is A, what is B, and what is C and D. There is an option A, B, C and D. In the first option, question आप लोगों को समझ में आ गया है नहीं? एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए. मैंने कहा यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शन को एक साथ बना दिया है. अब रिएक्शन के बीच बीच में कुछ मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उसको मैंने ए और बी सी और डी अल्फाबेट से डिनोट कर रखा है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ए बी सी और डी कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे और ये रेस्पिरेशन में कौन कौन सा स्टेप है. ये आप आसानी से समझ सकते हैं बाय द इंडिकेशन ऑफ द रियल मॉलिक्यूल दैट इज पाइरूबिक एसिड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेयर कार्बन सॉरी ग्लूकोज. First A, phosphoglyceric acid. B is phosphoglyceraldehyde. C is NAD plus oxidized form, and D is water. Substance A represent phosphoglyceraldehyde, B is phosphoglyceric acid, here it is NAD plus, और D हमने लिख रखा है ना. आइडिया तो आपको लग ही चुका होगा बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालेंगे हम आपको. यार एथाइल अल्कोहल, हेयर ए को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई फ्रक्टोज फॉस्फेट, बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई फॉस्फोइनोल पाइरूबिक एसिड, एन ए डी इज एन ए डी pH, where this is lactic acid. In the case of last option, this is citrate, this is oxaloacetic acid, this is NAD oxidized form, and this is ethyl alcohol. Okay, consider on this question. सबसे पहले देखिए glucose gets converted into pyruvic acid. Yes, it is exactly glycolysis. Okay. और आप ग्लाइकोलाइसिस के सारे स्टेप अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हो. दिस इज पाइरूवेट थ्री कार्बन कंपाउंड. इट इज डायरेक्टली यूटिलाइज एनएडीएच, मींस इट गेट रिड्यूस्ड. और जब भी रिडक्शन इसका हो रहा होता है, जब इसका रिडक्शन हो रहा होता है तो किसका मॉलिक्यूल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, एथाइल अल्कोहल का, या फिर लैक्टिक एसिड का. यह डिपेंड करता है कि किस तरीके का फर्मेंटेशन है. So, जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस में, एग्जैक्टली दिस इज एल्डिहाइड फॉर्म एंड दिस इज एसिड फॉर्म. सबसे पहले ए इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
So, option number A, it is actually acid. In the case of B, this is actually aldehyde, this is P. Yahan par dekhiye pyruvic acid. Pyruvic acid get converted into carbon dioxide and something else, D. D ko abhi hum batate hain, dekhte hain, koshish karte hain kya hai. But agar yahan pe ek step pe oxidation ho raha hai, to aap jante hain direct oxidation mein lactic acid banta hai. Aur jab lactic acid banega, to carbon dioxide produce nahi hoga. Means during lactic acid production, carbon dioxide never produce. So it cannot be lactic acid, exactly it is ethyl alcohol, but here it is water. So first option is wrong. Only in this case C, NAD plus, because jab yahan pe ye iska hydrogen electron pyruvic acid mein jayega, so ye oxidize ho gaya, to C ki jagah par ho jayega NAD plus. To isme sirf ye sahi hai, baki sab galat. In the case of second, ये देखिए, ये यहाँ पर एल्डिहाइड फॉर्म में, दिस इज एल्डिहाइड. ए को इन्होंने एल्डिहाइड बता रखा है एंड बी इज एसिड. और आप अच्छी तरीके से जानते हैं एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड. ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बताइए ऑक्सीजन किस में ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है या नहीं. इट कंटेन वन मोर ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन. एक्चुअली इट इज अकर आफ्टर ऑक्सीडेशन, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन होता है. तो क्लियर है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू फास्फोग्लिसरिक एसिड इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. सो ए एग्जैक्टली रिप्रेजेंट, सो इट इज करेक्ट इंडिकेशन. द पी पीजीए, पीजीए इज रिप्रेजेंटेड फॉर बी अल्फाबेट, दैट इज एसिड, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट. एनएडी आप ऑलरेडी डिस्कस में कर चुके हो, इट इज करेक्ट एंड इट इज एग्जैक्टली एथाइल अल्कोहल. बट एथाइल अल्कोहल क्यों है ये, बिकॉज एथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का दो मॉलिक्यूल रिलीज होता है. सो इट इज ऑल्सो इन करेक्ट इंडिकेशन, सो इट इज करेक्ट ऑप्शन. इन दिस केस फ्रक्टोज फास्फेट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बिकॉज फ्रक्टोज नेवर यूटिलाइज एन ए डी प्लस, सो इट इज रॉन्ग ऑप्शन. सिट्रेट ऑक्सेलोसिटेट बोथ आर इन्वॉल्व इन सिट्रिक एसिड साइकिल, मीन्स ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मीन्स क्रेब साइकिल, सो इट कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज यहां पर तो फर्मेंटेशन दिखाई दे रहा है. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेडिकल में पूछे जाएंगे. सबसे पहली चीज, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और सारे ऑप्शन को पढ़ लेना है, चाहे वो सही लगता हो या गलत. तो अभी हमने देखा रेस्पिरेशन में, लगभग रेस्पिरेशन के हमने सभी स्टेप को पढ़ लिया है. अब हम कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ेंगे अबाउट रेस्पिरेशन. यू हेयर्ड अबाउट रेस्पायरोमीटर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी भी सेल में हर समय रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट एक नहीं रहता है, सो उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टाइम टू टाइम बदलता रहता है. रेस्पायरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट यूटिलाइज टू मेजर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. ओके, सो इसका यूज क्या करेंगे हम किस चीज के लिए, आर क्यू डिटर्मिनेशन. अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर क्यू डिटर्मिनेशन हम क्यों करते हैं, बिकॉज आर क्यू डिटर्मिनेशन इंडिकेट द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. ओके, सेकेंड, आप अच्छी तरीके से जानते हैं देयर आर सम मॉलिक्यूल्स आर फाउंड दैट कैन बाइंड सम एलिमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी चेन, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, ये देखिए दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड. अगर किसी पर्सन ने साइनाइड ले रखा हो तो ये साइनाइड ईटीएस में साइटोक्रोम
A3 इसका दूसरा नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज में कॉपर आयन होता है, इस कॉपर आयन को साइनाइड बाइंड कर लेता है। सो ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ साइनाइड विद द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ ETS, दैट इज साइटोक्रोम ए, एंटायर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी ब्लॉक्ड एंड ATP कैनॉट बी प्रोड्यूस। सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ATP the cell ultimately get killed and ultimately entire individual will be die, okay? So agar hame kisi cyanide the person that has taken cyanide aur aap use bachana chahte hain, so you should provide ATP molecules because due to the ATP deficiency the person has undergoes to some damage or death, right? Okay, additionally isme ye hai कि एनिमल के केस में तो नहीं बट बहुत सारे प्लांट ने खुद को साइनाइड की प्रेजेंस में भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी अडॉप्ट कर ली है। कुछ प्लांट होते हैं जो साइनाइड के होते हुए भी कंप्लीटली रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हम ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन। और ऐसे प्लांट को कहेंगे साइनाइड रेजिस्टेंट प्लांट। ऐसे प्लांट पर साइनाइड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। ग्लाइकोलाइसिस के केस में हमने देखा था कि ग्लूकोज डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता हुआ अल्टीमेटली पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है, बट ऐसा हमेशा सेल में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इन सम केसेस देयर आर सम डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स और सम डेफिशिएंसी और सम अनदर फैक्टर आल्सो कैन प्रिवेंट और प्रोड्यूस अ बैरियर फॉर कंप्लीशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो कभी कभी ग्लाइकोलाइसिस का ये सारा प्रोसेस कंप्लीटली परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, तब ऐसे केस में एक अल्टरनेटिव पाथवे है जिसमें ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड बनाने के लिए एक दूसरा पाथवे यूज किया जाता है, इट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा है तो यहां पर एक नया पाथवे, इसे हम कहते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर PPP। Another name of this pathway is hexose monophosphate shunt, okay, HMS. Actually नाम इसलिए है because इसमें फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर, दैट इज पेंटोज, दैट इज फास्फोरिलेटेड, जिसे हम कहते हैं पेंटोज फास्फेट, राइट? आप अच्छी तरीके जानते हैं दैट इज यूटिलाइज ऑल्सो इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, दैट इज रुबिस्को, दैट इज रिबुलोज 1,5 बिस फास्फेट। यहां पर ये है राइबुलोज 5-फास्फेट। ओके, सो PPP या फिर हेक्सोज मोनोफास्फेट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल सेल इन द एब्सेंस ऑफ परफेक्ट ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो थर्ड टॉपिक इज हेक्सोज मोनोफास्फेट सेंट और पेंटोज फास्फेट पाथवे। Right. Another thing is, actually, जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, not only about us, सारे प्लांट की बात मैं कर रहा हूँ, कोई बैक्टीरिया हो, सब में जब भी कभी भी एनर्जी की जरूरत होती है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, या अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है,
बिल्कुल डोरमेंट कंडीशन में भी है कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सेल, तो भी उसके मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यूसली ऑपरेट कराते रहने के लिए भी फ्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत हमेशा रहती है, और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एटीपी। सो हम एटीपी को बिना कंसिडर किए रेस्पिरेशन को कंप्लीट नहीं बता सकते। सो यहाँ पर अबाउट एटीपी, देखिए एटीपी हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक्चुअली एडिनोसाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडेनिन एंड राइबोसोम्स। दिस इज एक्चुअली एडिनोसाइन एंड दिस इज कंबाइंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देयर आर थ्री फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इसमें एक एडेनिन मॉलिक्यूल है, दैट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, राइबोज इट इज पेंटोज सुगर, राइबोज इज द पेंटोज सुगर, हियर दिस इज थ्री फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं एडिनोसाइन, हियर वन टू एंड थ्री, थ्री फॉस्फेट, तो एडिनोसिन ऑल दिस थ्री फॉस्फेट कलेक्टिवली रिगार्ड एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए इसमें लास्ट ये बॉन्ड, इट इज हाई एनर्जी बॉन्ड, इट इज ऑल्सो हाई एनर्जी बॉन्ड, हाउएवर दिस बॉन्ड कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, दैट इज एटीपी, और जब इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो एक फॉस्फेट अलग हो जाता है, सो बचता है एडीपी कंटेनिंग टू फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी को डिग्रेड करते हैं और एटीपी बन जाता है, और जब एनर्जी सफिशियंट अमाउंट में रेस्पिरेशन के समय प्रोड्यूस होती है तो एडीपी से एनर्जी यूज करके इस फॉस्फोरिक बॉन्ड को बनाते हैं, और इसके फॉर्मेशन की वजह से एटीपी के इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर करके रखी जाती है। ओके, सो एटीपी इज रिगार्डेड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एक्चुअली ये करेंसी है एनर्जी की, सही है, बिकॉज जब भी जरूरत पड़ती है ना कभी भी किसी एनर्जी की तो एटीपी प्रोवाइड की जाती है, सो इट इज एनर्जी करेंसी। ओके, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ओके, देखिए अभी हमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री मेडिकल टेस्ट और एनी लाइक इन एम्स और नीट, सो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। सो आपने अभी तक जो भी इस वीडियो लेक्चर में देखा है उसको केयरफुली आप समझिए और खुद रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पे, और बाकी जो भी टॉपिक है विथ सम एडिशनल क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट टर्न पे फिर डिस्कस करेंगे।